जिला प्रशासन हमारी मांगे पूरी करो। पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र के रिकाबगंज गंगा मंदिर घाट पर किसानों के फसल लगे 21 बीघा रैयती जमीन पर जिला प्रशासन के आदेश पर अधिग्रहित किए जाने से किसानों में आक्रोश है। इसके विरोध में किसानों ने बुलडोजर और जेसीबी मशीन से हो रहे कार्य को बंद कराकर हंगामा किया, साथ ही जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पीड़ित किसानों का कहना है कि जमीन का लगान देने के बाद भी सरकार और जिला प्रशासन की टीम गंगा पथ बनाने के नाम पर बिना मुआवजा दिए किसानों की जमीन को अधिग्रहित कर रही है। पीड़ित किसान ने बताया कि सरकार की विकास योजना में कोई बाधा नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, पर सरकार बिना मुआवजा दिए फसल लगे खेत पर बुलडोजर और जेसीबी मशीन लगाकर फसल को बर्बाद कर रहे हैं और ना ही जमीन का मुआवजा दे रहे हैं। जबकि जमीन अधिग्रहण मामले में हाईकोर्ट से किसानों के पक्ष में फैसला सुनाया गया है, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले को जिला प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे। सोना रानी के साथ न्यूज टीम की रिपोर्ट। क्या करिए, जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब लोग हम लोग तब तक काम करने नहीं देंगे। जरूरत होगा हम लोग रैयत है, किसान है, मशीन के जेसीबी के सामने भी लेट जाएंगे, उसको चढ़ा के ले जाना होगा, ले जाएगा चाप के हम लोग के। जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा हम लोग काम करने नहीं देंगे उसको, किसी भी कीमत में, चाहे इसके लिए जो भी परिणाम हो, जो भी किसान को करना होगा करेगा, बाकी बिना मुआवजा के उसको हम लोग काम नहीं करने देंगे। आप किसानों का कहना है कि जो है खेत हमारा बर्बाद, खेत हमारा है, आप देख रहे हैं सारा बकलोक मतलब कर दिया, पूरा बकलोक फसल बर्बाद कर दिया। ये तो अंग्रेज, अंग्रेज भी ऐसा नहीं करता था जो नीतीश कुमार कर रहा है। क्या मांगे आप लोग? मेरा मांग है कि किसान के जमीन है, किसान के मुआवजा मिलना चाहिए, यही मेरा मांग है। अगर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा हम लोग काम नहीं करने देंगे। इसके लिए जो करना होगा हम लोग करेंगे। मुआवजा नहीं मिलेगा तो आंदोलन? जी एकदम आंदोलन करेंगे। पर्चा बताइए जी। मेरा नाम विजेंद्र राय हुआ, यह मौजा जफराबाद टोक, थाना नंबर 346। यह मालिकाना था, मालिक को जब जमींदारी उन्मूलन हुआ अपना, वह रिटर्न सरकार को लौटा दिया रैयत के बंदोबस्त करते हुए। रैयत इस पर शुरू से काबिज है। 1970-72 तक हम लोग अपना रसीद सरकारी कटाते आए हैं, 72 से रसीद काटना बंद हो गया। वह कहा कि यह बिहार सरकार के खाता पर चला गया है। मैं रामजी प्रसाद, मेरा टाइटल सूट नंबर है 172-91। कार्यालय में गए, पटना हाईकोर्ट का, सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट से हमने डिग्री करा लिया। अंचलाधिकारी जिला समाहर्ता के आदेशानुसार हमने अपना लगान निर्धारण करके 2023 तक अपना जमीन का मुआवजा देते आ रहे हैं। 2012 में सरकार क्या किया मुझे कोई पता नहीं, और जिला प्रशासन का कहना है कि यह जमीन सरकार की है, मेरे जमीन पर सरकार का कोई अधिकार नहीं बनता है। हमने हाई कोर्ट में चले गए 2000। दीघा से लेकर के दीदारगंज तक के नदी किनारे गंगा पथवे के नाम से एक पुल बन रही है। उस पुल में पटना के सटे जफराबाद गांव में ये जमीन है, और इस जमीन का 2013 में एक्वायर कर लिए सरकार अपने मन से, एक्वायर भी कर लिए, बिहार सरकार भी घोषित कर दिए, और किसान से लगातार मुआवजा भी ले रहे हैं। यानी दही भी उन्हीं का और हांडी भी उन्हीं का। इसके विरोध में कि भाई जमीन मेरा है, ये बिहार सरकार का नहीं है, जब हम लोग कोर्ट का फैसला दिखाते हैं तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि नहीं आपका तो जमीने नहीं है, आपका तो बिहार सरकार है। तो जब मेरा बिहार सरकार है तो आपका राजस्व अधिकारी, सीईओ, डीसीएलआर कर्मचारी ये 2023 तक के हमसे पैसा क्यों ले रहा, और हाई कोर्ट के फैसला को मानने के लिए तैयार नहीं है। बोलते हैं कि हमको कागजे समझ में नहीं आता। अब डीएम को पढ़ाने के लिए तो हमारे पास अकल नहीं है कि हम उनको पढ़ा दें। जब वकील से बात कराते हैं तो वकील से बात करना नहीं चाहते हैं, सिवा बल प्रयोग जेल भेज देंगे, काम कैसे रोक देगा। तो हम किसान लोग जेल के जहन्नुम जाने के लिए